हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ समर ड्रेस डिजाइंस, बहुत ही लेटेस्ट ट्रेंडी और यूनिक ड्रेसेस की डिजाइंस आपके साथ मैं शेयर करूंगी। पीछे भी मैस है, इधर भी मैस है, हर जगह मैस ही मैस है। अभी बस पैकिंग करी थी, मैं लाहौर के लिए अभी निकलना है 45 मिनट्स में। अभी मैंने शावर लेना, मेरी हालत पर बिल्कुल भी मत जाइएगा, ना रूम की हालत पर जाइएगा, बस बहुत गंद मचा हुआ है। बस वीडियो मैंने कहा जल्दी जल्दी से बना दो, क्योंकि अभी ये मिस हो गई ना, रह गई तो फिर रह गई, फिर टाइम नहीं मिलेगा मुझे बनाने का। सो या तो अब मैं आपको आज ज़बरदस्त से वीडियो में आपको ड्रेस डिज़ाइन सिखाऊंगी समर के लिए। आई होप आपको सब बहुत अच्छे लगेंगे। तो चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। और बड़े दिनों के बाद मैं कोई वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा मोटिवेट करने के लिए आप जल्दी से लाइक कर दें इस वीडियो को, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ओके, जब देख रहे थे अपना ड्रेस नंबर 1 की पिक्चर में, वीडियो में ना थोड़ा सा वाइटिश पिंक सा लग रहा है, बट असल में ये बहुत प्यारा सा बेबी पिंक कलर है। और ये मे बी इसमें लेके नई पिक्चर में वो सेम कलर आ ही नहीं रहा, बट ये बेबी पिंक कलर में है। मैं कोई इस दफ़ा बहुत ज़्यादा कह लो कि ब्रांड की तरफ नहीं गई, मैंने सिंपल अनस्टिच कपड़े जो है ना लेकर खुद से डिज़ाइन करवाए हैं, और बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, सब रीजनेबल है, चीप हैं। सिर्फ आपको आइडियाज़ दे रही हूँ डिज़ाइन का, ठीक है? चलें जी, अब देख लेते हैं इसका डिज़ाइन। ये शॉर्ट शर्ट है, इसके साथ मैंने ट्यूलिप रखवानी थी, बट मैंने ट्यूलिप मैंने कहा पता नहीं सही रहे या ना रहे, तो मैंने इसलिए शलवार बना ली वाइट, क्योंकि शलवार आई थिंक ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। सो इसके साथ मैंने प्लेन वाइट कलर की शलवार बनाई है, और ये जो शर्ट है ये इसकी शॉर्ट शर्ट है, साथ में इसके क्या है गुलाई में है या ठीक है इसका। अब आपको इसका गला दिखाती हूँ। ये इस तरह की लेस है, मैं यहाँ पे अटैच भी कर दूँगी, जो लेस मैंने ली थी वाइट कलर में, ये लेस मैंने ली थी। और लेस के टेलर को देखे ना इस तरह, इसको आप बिब गला शायद कहते हैं, और गोल गला बनाकर उसमें ये बिब गला जो है ना, बिब गला बनाया, इसे बिब गला शायद कहते हैं, मामा कहती हैं इसे। और स्लीव्स जो हैं इस तरह के हैं, और ये लेस इसी तरह की थी, ठीक है? मैं यहाँ पर अटैच कर दूँगी पिक्चर लेस की, पता नहीं क्यों कलर बिल्कुल भी एग्जैक्ट नहीं आ रहा लाइट की वजह से, रिंग लाइट की वजह से मे बी, बट ये बहुत प्यारा पिंक कलर है। और इस तरीके से फिर आगे ये करवा लिया ताकि वो कॉर्नर अच्छा सा बन जाए, ठीक है? और ये 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 इस पर बटन्स लगे हुए हैं, वैसे 14 लगने चाहिए थे 2 और, बट यहाँ पे लग गए उसकी जगह। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 बटन्स लगे हुए हैं इसके स्लीव्स पे, ठीक है? और वही सेम जो लेस थी जो कि नेक पे लगी हुई है, वही सेम स्लीव्स के आगे लगवा के यहाँ पे मैंने प्लेट्स बनाने का कहा था, बट प्लेट इतने बनाए नहीं उन्होंने, मतलब जैसे खुले खुले होते हैं ना उस तरह के कहा था, लेकिन उन्होंने बनाए नहीं टेलर ने, बट कोई बात नहीं। ये इस तरीके से मैंने कोई लूप्स वाले नहीं बनाए हुए, सिंपल वैसे ही बटन लगाए हुए हैं, ठीक है? और फिटिंग में आगे स्लीव्स हैं, ठीक है? और ये गला, और इधर से जो है पाइपिंग इस तरह हुई भी है सेंटर में, कहीं से भी कोई कट शर्ट नहीं है, खुला नहीं है, आप चाहे तो रख भी सकते हैं। और पीछे से शोर हो रहा है, ओह माय गॉड, ये नॉर्मल सी बात है, मेरे लिए तो वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। और इसके साथ ये इसी सेम कलर की स्लीप है, क्योंकि थोड़ा कपड़ा लाइट था। अब पता नहीं, समझ नहीं आती, कुछ लोग कहते हैं कि ये अंदर की तरफ आता है, बाहर की तरफ आता है, मुझे ऐसा लगता था कि ये वाला प्रिंट बाहर की तरफ आता है, बट टेलर को भी यही लगा कि ये वाला प्रिंट अंदर की तरफ आएगा, मुझे ऐसा लगता, पता नहीं आप लोग बताइएगा क्या सीन है, मुझे तो यही लगा कि ये वाला प्रिंट बाहर आना चाहिए था। बाकी पीछे से सेम प्लेन है ऐसे फैब्रिक, ठीक है? 500 की मैंने आई थिंक ये अनस्टिच शर्ट ली थी, बाकी लेस आई थिंक ये 200 की होगी या 100 की होगी, इस तरह थी। बटन बाकी आपको पता ही है, ये इजीली मिल जाते हैं कपड़े वाले बटन्स। बाकी इसके साथ प्लेन वाइट कलर की शलवार है, और दुपट्टा अगर आपने लेना हो वाइट कलर का साथ तो वो अच्छा लगेगा, मैं अब आपको दिखा देती हूँ शलवार और साथ में दुपट्टा। ओके, सो ये अब इस शर्ट के साथ, ये इसके साथ वाइट कलर की शलवार है, और ये दुपट्टा, यहाँ पे पिक्चर अटैच कर रही हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट कलर जो है ना इस ड्रेस का शो हो जाए, ठीक है? और इसके आगे दुपट्टे के आगे ये वाली लेस लगी हुई है, ठीक है? सो अब देख लेते हैं अपना आउटफिट नंबर 2। टाइम जितना शॉर्ट है और लाइट भी चली गई है, आप हिसाब लगा लें, अब कलर जो नज़र आने भी हैं वो भी नहीं आपको एग्जैक्ट आएंगे। अब यहाँ पे देखें ये कितना गंदा सा कलर लग रहा है, और रियल में ये बड़ा प्यारा मस्टर्ड येलो सा कलर है। और इसके अब डिज़ाइन मैं आपको दिखाती हूँ जो जो मैंने इसकी की है। ये बहुत 2 पीस मैंने लिया था, ये 1300 या 1400 का लोकल मार्केट से जाल से फैसलाबाद में जो रहते हैं, और मैं इसको दिखाती हूँ कि इसके मैंने क्या जो है ना डिज़ाइन किया, ठीक है? कलर थोड़ा बहुत चेंज होगा, पिक्चर्स अटैच कर दी जाऊँगी, थोड़े बहुत आइडिया आपको उससे हो जाएगा, ठीक है? और ये प्रिंट बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढा, ये मुझे केसरिया पे, हाँ या केसरिया पे 3000 2 पीस मिला था इस टाइप का, ठीक है? लेकिन मुझे इतना एक्सपेंसिव नहीं चाहिए था, तो फिर ये मैंने लॉन में ये लिया मैंने झाल से। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत प्यारा ड्रेस बना है इस तरह के जो हैं, इसकी शॉर्ट शर्ट बनाकर सेम मैंने इसके साथ बनाया है सेम ये ट्राउज़र, ये बेल बॉटम ट्राउज़र था, ठीक है? उस पर कोई लेस वगैरह नहीं लगवाई हुई,
और बस सिंपल प्लेन बेल बॉटम ट्राउज़र है। और इसकी शर्ट पे थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरीके से मैंने समोसा वगैरह जो भी इसको कहते हैं आप वो बनाकर लगवाए हुए हैं। और ये देखें 1, 2, 3, 4 टाइम्स ठीक है लगे में। ये लेंथ इसकी शॉर्ट है बट मैंने कहा था अंकल को कि ये टेलर को कि इसको ये जो समोसे बनाने हैं छोटे बनाना, बट उनको भूल गया, उन्होंने जूम इन करके देख लिया था तो उन्होंने बड़े बना दिए, अदरवाइज छोटे बनाते तो ज़्यादा प्यारे लगते। और एक उसी कपड़े का लगाया हुआ है और एक पर शॉकिंग पिंक जो उसमें फ्लावर का कलर आ रहा है ठीक है। तो कोई भी इस तरह का फैब्रिक लेकर देख कर उस तरह बना सकते हैं जिसमें इस तरह का प्रिंट हो ठीक है। और साथ में ऊपर से पफ स्लीव्स हैं, बटन लगे हुए हैं 3, 3, 6, 7, 8, 9 बटन लगे हुए हैं। और या थोड़े थोड़े डिफरेंस डिस्टेंस के साथ लगे हुए हैं बटन्स। ये देख रहे हैं, पिक्चर ले लें। और शोर हमारे घर में एज़ यूजुअल हमेशा की तरह बड़ा ही रहता है भाई। और पफ स्लीव्स हैं और आगे से बाजू इस तरह के हैं, इलास्टिक डला हुआ है ठीक है। और थोड़े से आगे से खुले हैं, यहाँ पे डोरी है, डोरी अंदर से डाली हुई इलास्टिक के साथ ठीक है। बाकी पिक्चर्स भी अटैच करती रहूँगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए ठीक है। इसके साथ दुपट्टा जो है और सेम ये पीछे से भी सेम इसी तरह बनवाया है ठीक है। और बोर्ड शेप सा गला बनाया है साथ में, और ये पहनावा बड़ा प्यारा लगेगा आई होप सो। और दुपट्टा जो है इसके साथ मैंने क्या किया, मुझे इसमें प्रिंट ही दुपट्टा चाहिए था, प्रिंट इतना अच्छा मुझे मिल नहीं रहा था, फ्लोरल प्रिंट चाहिए था मुझे बट दुपट्टा मुझे मिला नहीं, तो मैंने ये इस तरह का कलर का सेम दुपट्टा लेकर देन इसके आगे ये टसल्स इस तरह के लगवा लिए हैं। ये 2 इंचज़ के फ़र्क के साथ लगवाए हैं ठीक है। ये 2 इंचज़ का डिस्टेंस है जितना मैंने कहा था, जहाँ तक मुझे लग नहीं रहा ये 2 इंच है वैसे, लेकिन होपफुली शायद 2 इंच ही हो, बट मैंने 2 इंच का कहा था। आप ज़्यादा भी रखवा के ना लगवा सकते हैं। बाकी पूरे दुपट्टे पे ऑल ओवर लगवाए हैं, लाइक चारों साइड्स में, दो साइड्स पे नहीं, सिर्फ पल्लू पे नहीं है, चारों साइड पे, क्योंकि सर पे लिया हुआ ना बड़ा प्यारा लगता है। सो ये मैंने चारों साइड पे लगाया है और बहुत शोर हो रहा है ऊपर से, फल्ला तो इस शोर से बहुत ज़्यादा तंग हूँ, दिल ही नहीं करता कोई वीडियो बनाने का, बस यही वजह भी है शायद कि जो मैं बहुत कम वीडियोज़ बनाती हूँ। तो ये जी सूट की डिटेल्स अब मैं आपको नेक्स्ट सूट दिखाती हूँ अपना। चले जी नेक्स्ट है ये प्रिंट, ये बड़ा ही खूबसूरत प्रिंट है। ये 2 पीस मैंने लिया था जहाल से ही, लोकल मार्केट से ही, कितने का लिया था आई थिंक 1500 का शायद लिया था 2 पीस। और ये प्रिंट और इसका कपड़ा भी बहुत प्यारा है, लाइक रियली वेरी नाइस ठीक है। तो इस पे क्या डिज़ाइनिंग मैंने करवाई कि इसका जो बीच में रेड कलर आ रहा है उसका मैंने प्लेन दुपट्टा कर लिया। दुपट्टे पे मैंने डिज़ाइनिंग करवानी थी बट टाइम बहुत शॉर्ट था इसलिए मैंने करवाई नहीं, बट उसका जो मैंने डिज़ाइन सोचा हुआ था करवाने का वो मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ ताकि आप आइडिया ले रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं और फिर वैसा बनवाना ठीक है। अच्छा जी, तो ये इसके आगे क्या जी, उसी के ऊपर मैंने ये लेस लगवाई हुई है, डबल लेस लगवाई हुई है ठीक है, एक ये वाली लेस और ये। आप इसको कट करवा के भी लगवा सकते हैं, लाइक इन दोनों के अंदर मैंने ऊपर ही लगवाई हुई, ऊपर भी कभी लगवा लेनी चाहिए, मोस्टली हमेशा मैं कट करके लगवाती हूँ आगे, मैंने सेम उसी तरह की लेस छोटी लगवाई हुई है। और नेक देखें तो बेशेप का नेक है और नेक पे मैंने डबल लेस लगवाई हुई है। पहले क्या किया टेलर ने कि ना ये यहाँ तक ले आए थे अंकल ना, तो बहुत वो ब्रॉड लुक आ रही थी तो मुझे थोड़ी लंबाई में चाहिए थी ताकि आप थोड़े लाइक आपकी बॉडी थोड़ी लंबी लंबी लगे ना, तो इसलिए ये पास पास लगवाएं तो ज़्यादा अच्छा, वो थोड़ा पास पास वाली लुक ज़्यादा अच्छी लगती है बजाय इसके कि दूर दूर करके लगवाएं ठीक है। बहुत ज़्यादा ही पहले वाली जो है ना उसी को अगर आप लेस को उसमें इतना यहाँ पे लगाएंगे, पहली लेस पे दूसरी यहाँ तक लगाएंगे तो वो बहुत ब्रॉड लुक आती है, तो इस तरह लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छी लुक आएगी ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5 इसमें मैंने बटन्स लगवाए हुए हैं। इसको आप ज़्यादा लंबा भी कर सकते हैं, नीचे तक भी लेकर आ सकते हैं, जैसे भी आपको लाइक करते हैं ठीक है। तो पीछे से प्लेन है, बाकी सेम ऐसे इसके साथ ये शलवार है बेल्ट वाली और दुपट्टा रेड कलर का। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। चलें जी चलते हैं अपना नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। ये ड्रेस भी बड़ा प्यारा है, ये मेरा एक सूट था उसका दुपट्टा था तो उसके दुपट्टे का मैंने बनाया है। तो आपके पास भी इस तरह घर में कोई दुपट्टा पड़ा हो जो आपके किसी काम का ना हो, जो आपको पसंद ना हो, तो आप उसका बना लें, सूट बड़ा प्यारा बनेगा। तो ये लॉन का दुपट्टा था, लॉन का नहीं कॉटन नेट टाइप का दुपट्टा था, कॉटन नेट भी नहीं कह सकते, कॉटन लॉन टाइप इस तरह का कोई फैब्रिक है ठीक है। दुपट्टा था ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था तो इसलिए मैंने इसके साथ शर्ट बना ली, उसकी शर्ट बना ली ठीक है। और उसी सेम ड्रेस का जो ट्राउजर दुपट्टा यूज़ हो गया, दुपट्टा मैंने उसके साथ प्लेन ले लिया था ठीक है। तो जी अब इसका ये आजकल बड़ा ही डिज़ाइन है, मैंने इसको जो क्या कहते हैं इसको कॉलर वाला नेक, यहाँ पता नहीं मुझे तो नाम भी नहीं आ रहे क्या कहते हैं इसको, कॉलर ही कहते हैं आई थिंक, तो बैन गला, सॉरी बैन गला जो है उसको बनाकर मैंने लगाया है। अभी ये बैन गला छोटा बनना था और इसके ऊपर ये वाली लेस लगनी थी, बट एज़ यूजुअल आपको पता है कि जो हमारे जो टेलर्स होते हैं ना वो माशाल्लाह से कोई ना कोई गलती करते थे, और यहाँ पर पता नहीं क्या गिरा हुआ, मेरी बेडशीट भी थोड़ी गंदी हुई, चेंज होने वाली हुई हुई है, बट टाइम इज़ वेरी शॉर्ट तो आप माजरत मेरी तरफ से।
तो ये ना कहिएगा कि आपकी बहन बड़ी गंदी है, लेकिन बस क्या बताऊँ आपको, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा अचानक से हस्बैंड का प्लान बन गया आने का, तो बस उन्हीं तैयारियों में मैं लगी हूँ। और ये जी इस तरीके से बना 1 2 3 4 5 5 जो है इस तरह पेटल्स पेटल्स बनी हुई हैं। और स्लीवलेस शर्ट है सेम वही लेस मैंने इधर लगाई है, सेम वही गले पे उस तरह लगी है। और ये तीनों साइड्स पे इस तरह की जो है ना ये शर्ट पे लगी हुई है। और ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र में भी आपको दिखाती हूँ, ये इसके साथ है, एक में ये वाली लेस है और दो प्लेट्स सिलवा के इस तरह के, फिर अगेन वो लेस है, फिर दो प्लेट्स हैं, फिर आगे जो है ये क्रोशे वाली लेस है, ये डाई करवाई थी मैंने, ठीक हो गया। तो ये इसके साथ लेस हो गया और ये सेम कलर का प्लेन दुपट्टा। आई होप कि ये ड्रेस आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसके साथ फुल स्लीव्स में बनाना चाह रहे हैं तो फुल स्लीव में भी आप ना फुल स्लीव के आगे इस तरह के पेटल्स बना लें तो बड़ा प्यारा लगेगा। यहाँ पर ये इसी तरह के पेटल्स आप ट्राउज़र पे बना सकते हैं। मैं आपके साथ यहाँ पर पिक्चर्स और अटैच कर दूँगी आइडियाज़ के लिए, ठीक है, वहाँ से ले सकते हैं। ओके जी, ये है लास्ट शर्ट लॉन की और इसका बड़ा सिंपल सा डिज़ाइन है, ये भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। बैन गला बना हुआ है, उसके बैन गले के साथ इस साइड पे जो है ना लेस लगी हुई है वाइट कलर में, और फिर इस तरह की लेस आपको इजीली मिल जाती है, ये स्लीव्स पे लगी हुई है, फिर फ्रंट पे आगे थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के फिर आगे भी सेम वही लेस लगी हुई है। और इस तरह ये चिकन का जो कपड़ा है वो बीच में कट करके लगा हुआ है, और फिर आगे सेम उसी तरह की इस तरह की लेस भी मिल जाती है आपको, तो ये करके थोड़ा सा छोड़ के, तो ये देखें, ठीक है। और इसके साथ मेरे पास जो वाइट सलवार थी मैं वही चलाऊंगी, वही दुपट्टा चलाऊंगी। नेक्स्ट ये लास्ट ड्रेस, वैसे तो ये समर ड्रेस में नहीं आता लेकिन बहुत लाइक किया था जब मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था, तो मैंने कहा मैं इस वीडियो में ये भी शेयर कर देती हूँ। ये सिल्क का ड्रेस है, ठीक है, मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, तो आप लोग इसके पूछ रहे थे डिटेल्स, वो खुद इससे तैयार करके ना फिर उसने मुझे गिफ्ट किया था। तो ये इस तरह एलाइन शर्ट है और बे शेप गला है, और उसके ऊपर इस तरह के पैड लगे हैं, आप लेस भी लगा सकते हैं शीशे वाली, और तो तीन तीन बटन्स लगे हुए हैं। और ये इस तरीके से डबल प्लेट जो है ना इस तरह अंदर की तरफ जो भी इसको कहते हैं उस तरह ही हुआ है, ठीक है, इस तरह यहाँ से दिखाती हूँ, ठीक है, ये एक ये हुआ है, एक दो प्लेट्स यहाँ पे हैं। और ये इसका जो स्लीव्स हैं ये इसी तरह की नेट मिल जाती है वाइट कलर में, डाई करवा लें इस तरह करके ये होता है, ठीक है, तो फैंसी नेट होती है। और उसके जो है स्लीव्स बने हुए हैं ऊपर से ही जो नेट स्टार्ट हैं, आप बाजू ऊपर लगा के, वरना इस तरह के बाजू कंफर्टेबल नहीं रहते, ऑफकोर्स थोड़ा सा कपड़ा लगा के देना आगे स्लीव्स बनाएं जूनट वाले, ठीक है, तो ये अच्छे लगते हैं। और ये तकरीबन 3 इंचज़ का ये है, और इसके आगे जो है ये इस तरह हैंडवर्क हुआ है, आप इसकी जगह लेस भी लगवा सकते हैं, ये बाजू ऐसे बड़े प्यारे लगते हैं फैंसी ड्रेसेस में, ठीक है, तो इस तरह के जो नट डली हुई है। और यहाँ पर 2 लूप्स बने हुए हैं, ठीक हो गया। और इसका ट्राउज़र सेम बिल्कुल प्लेन है, ये भी ग्रिप में है इसका ट्राउज़र, यहाँ फिर आई थिंक सिल्क है ये, तो ये इसके आगे सेम वही वाला फैब्रिक जो इसका स्लीव्स हैं वही वाला नीचे लगा हुआ है, ठीक है। सो यार यहीं पे हमारी आज की वीडियो होती है ख़त्म। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाजमी लाइक करिएगा, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक सो मच, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, ठीक है, और अगर कुछ रह गया तो वो मुझे याद करा दें। और बस मैं चलती हूँ, अब मुझे बहुत लेट हो रहा है, सो या बाय बाय, टेक केयर।